बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, आज का व्लॉग है कि आज हमारे बेटे अब्दुल हादी का जो है ना वो रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट का मतलब दिन है अभी तकरीबन 11:30 बज चुके हैं, 12 बजे इनको जो ना क्या कहते हैं अनाउंस होना है रिज़ल्ट इनका, इनको पहुँचना है स्कूल। तो 12 से 3 तक का टाइम दिया हुआ है इनको, तो बस उसी तैयारी में लगे हुए हैं और यही वही वीडियो बनाते हैं मेरी जो है। तो आज ये जा रहे हैं तो आज इनको शौक़ हो रहा था कि मेरी भी वीडियो बने, तो मैंने कहा चलो अच्छा है। मतलब वैसे तो हमेशा ही माशाल्लाह पोजीशन आती रही है, हाफ ईयरली हो या टर्म्स हों कोई भी, तो उसमें हमेशा बच्चे अव्वल पोजीशन लेते आए हैं मेरे। तो आज भी अल्लाह ताला से यही उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आज भी इनको कामयाब करे इसी तरीके से जैसे हमेशा कामयाब करते चले आए हैं। माशाल्लाह मेरे तीसरा बेटा ही है और 2 बेटे जो बड़े मेरे यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच गए हैं, तो वो भी माशाल्लाह नुमाया कामयाबी में रहे हैं, पोजीशन होल्डर रहे हैं हमेशा शुरू से। अगर मैं आप लोगों को शील्ड दिखानी शुरू करूं इनकी, तो माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 2 कार्टन के करीब जो ना वो शील्ड जमा हैं, कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी यही इन्हीं तैयारियों में लगे हुए और इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि लाइट आ जाए। तो वो इनकी शर्ट रह गई है इस्त्री के लिए, तो बस इस्त्री नहीं हो सकी है। तो अब ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये जाएंगे अभी स्कूल, तो फिर जब ये कि आ जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ इनका रिज़ल्ट शेयर करूंगी। जी ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो गए हैं जाने के लिए और इन्होंने ये परफेक्ट का बैच लगा लिया, माशाल्लाह परफेक्ट भी हैं ये। और आज इनको रिज़ल्ट में जो है ना ये बेस्ट अटेंडेंस भी मिलेगा। माशाल्लाह पूरे साल में कोई एक छुट्टी नहीं होती मेरे बच्चों की, तो हमेशा 2 शील्ड ही लेकर आते हैं। तो आज भी मैं अल्लाह ताला से यही उम्मीद करती हूँ कि हर साल की तरह आज भी इसी तरीके से कामयाब होकर आएंगे। बस आप लोग भी देखते जाइएगा और ये छोटे छोटे क्लिप में अपनी औलाद की खुशियों की मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। जाओ अल्लाह हाफिज़। चलें ये देखें माशाल्लाह जो है क्या कहते हैं रिज़ल्ट आ गया अब्दुल हादी का, और हमेशा की तरह लगा एहसान है कि हमेशा की तरह ही फर्स्ट आए। माशाल्लाह बहुत अच्छी पोजीशन हमेशा ही रही है इनकी, और शुरू से नर्सरी से मेरे बच्चे मतलब पढ़ते चले आ रहे हैं, और कभी इन बच्चों ने ट्यूशन नहीं पढ़ा हमें, इनको हमेशा मैंने घर में ख़ुद पढ़ाया है। 5 क्लास तक तो इतना कवर कर दिया कि 5 क्लास के बाद मुझे कभी इनको लेके बैठने की ऐसे ज़रूरत नहीं हुई, ये ख़ुद माशाल्लाह उस हिसाब से पढ़ लेते हैं, बस थोड़ी बहुत मैं तवज्जो दे देती हूँ। बाकी ये कि शुरू से मैंने इनको ख़ुद पढ़ाया है, अभी तक ये ट्यूशन नहीं गए। 7 क्लास का आज माशाल्लाह रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया इनका, और बेस्ट अटेंडेंस का की शील्ड भी मिली है इनको, जो कि बेस्ट अटेंडेंस मेरे बच्चे शुरू से ही रहे हैं बेस्ट अटेंडेंस हमेशा, जो है ना क्या कहते हैं कभी इनकी कोई ऐसी छुट्टी नहीं हुई, कभी ये देर से नहीं गए, कभी जो है ना क्या कहते हैं मतलब नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म में हमेशा रहे हैं। तो बहुत हमेशा इनका जो है ना क्या कहते हैं स्कूल में एक बहुत अच्छी पोजीशन रही है, और रिज़ल्ट भी हमेशा लगा एहसान है कि हमेशा फर्स्ट ही आया है। तो अभी मैं आपको इनको करीब से दिखाती हूँ इनका रिज़ल्ट। ये देखिए माशाल्लाह बेस्ट अटेंडेंस शील्ड है इसकी अब्दुल हादी की, तो ये हमारा करीबी स्कूल है तो हमने यहीं अपने बच्चों को डाला हुआ है। माशाल्लाह बहुत बाहर के बहुत अच्छे स्कूलों से भी ये बहुत बेहतर है अगर देखा जाए तो इलाका वाइज, और मतलब जो है क्या कहते हैं पढ़ाई भी हमेशा से बहुत अच्छी रही है, मेरे सारे बच्चों ने यहीं से पढ़ा है माशाल्लाह। और ये देखें इनकी बेस्ट अटेंडेंस की फील्ड है, और ये इनको फर्स्ट पोजीशन की फील्ड मिली है। तो ये रिकॉर्ड मतलब एक बहुत बड़ी मतलब मुझे खुशी होती है इस वक्त में कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है जब बच्चों का इस तरह से रिज़ल्ट आता है। तो जब मैं इनकी कामयाबियां देखती हूँ तो अल्लाह ताला का 1000 बार करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का कि अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह पाक ने इस काबिल किया बच्चों को। ये देखें ये माशाल्लाह इनकी जो है क्या कहते हैं ये रिज़ल्ट शीट है, मार्कशीट इनकी जो है, तो बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। ये देखें इस्लामियत में इन्होंने 75 में से 74 लिए हैं, उर्दू में 68 लिए हैं, उर्दू ग्रामर में 74 लिए हैं। अच्छा इनके जो सारे पेपर हैं वो 75 के होते हैं, पासिंग मार्क्स इन्होंने 30% रखे हुए हैं, और इनके जो ओरिजिनल मार्क्स होते हैं वो ये कहलाते हैं ये जो इन्हें कहते हैं। तो इंग्लिश टेक्स्ट से उसमें 70% लिए हैं इन्होंने, इंग्लिश ग्रामर में 68% लिए हैं। तो इस तरीके से देखें बहुत माशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट है, हालांकि 1-2 पेपर्स में मुझे उस हिसाब से नंबर थोड़े से कम लगे, मैंने इनको डांटा भी है अभी कि इसमें तुम्हें और सख्त मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी अल्लाह पाक का एहसान है, करोड़ों बार मैं शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह पाक का, अल्लाह पाक ने मतलब मेरी सारी औलादों को हमेशा नुमाया कामयाबी अता की। तो अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इनको दीन और दुनिया दोनों में, आखिरत दिन और आखिरत दोनों में ही इनको नुमाया कामयाबी इसी तरीके से अता करे। और एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी उसकी औलाद की कामयाबी ही होती है। तो ये देखें माशाल्लाह पोजीशन इन क्लास इन्होंने 1 लिखी है, तो मतलब इन्होंने जो इन्हें क्या कहते हैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है।
बाकी इनको ये जो है क्या कहते हैं कोर्स जो है क्या कहते हैं लिस्ट वगैरह भी साथ ही दे देते हैं, और इनकी 14 अप्रैल से क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो बस यही आपको बताना था और यही दिखाना था, बस ये रिजल्ट है अपनी। मेरी जो खुशी है, एक आस होती है हर माँ बाप को, मतलब हालांकि मुझे एक उम्मीद होती है क्योंकि इतनी मैं मेहनत करवाती हूँ अपने बच्चों को कि मुझे एक यकीन होता है कि हाँ बच्चे की पोजीशन ज़रूर आएगी, लेकिन ये है कि फिर भी एक थोड़ा सा धड़का लगा रहता है जब तक रिज़ल्ट सामने नहीं आ जाता। तो बस आप लोगों से बस यही दुआ करती हूँ, यही इंतजार करती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए और मेरे फैमिली के लिए ऐसी ही दुआ करें, और मैं भी यही अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें हर मौके पर हर तरीक़े से हमें कामयाबी अदा करी। बस मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में किसी नए ब्लॉग के साथ, यही रेसिपी के साथ हानी किचन की। अल्लाह हाफिज़।